हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सीएसपी इंस्टीट्यूट। सो आज की वीडियो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग। ओके, सो द क्लस्टरिंग एल्गोरिदम आर ऑफ मैनी टाइप्स। नॉट ऑल प्रोवाइड मॉडल फॉर देयर क्लस्टर्स एंड can thus not easily be categorized. So let's talk about first method of this. It will be distribution based method. It is distribution based method. Okay, so it is the clustering model in which we will fit the data on probability that how it may belong to the same distribution. So इसके अंदर है ना, हम डेटा को प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो करेंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग फिट करेंगे। तो इससे क्या होगा ना कि वो सेम डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जाकर फिट हो जाएगा। द ग्रुपिंग डन मे बी नॉर्मल और गॉसियन। जो ग्रुपिंग होगी it will be done may be normal or Gaussian. Okay, Gaussian distribution is more prominent. ज्यादा सबसे ज्यादा यूज यही होता है, Gaussian ही होता है, where we have a fixed number of distributions and all the upcoming data is fitted into it such that the distribution of data may be maximized. So, यहाँ पर फिक्स नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है और जितने भी अपकमिंग डेटा हैं उसको हम फिक्स करते हैं इस तरीके से कि जो डिस्ट्रीब्यूशन डेटा है वो मतलब मैक्सिमाइज हो पाए, ठीक है। दिस रिजल्ट इन ग्रुपिंग इन सच लाइक आई विल शो यू द इमेज सो थ्रू दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, सो हेयर यू कैन सी दिस इज गॉसियन मैथड। सो like how it has been done, this particular part. So it has different, this model works well on synthetic data and diversely sized clusters, but this model may have problem if the constraints are not used to limit the model's complexity. Agar hum constant use nahi karenge na to iske sath mein bahut sari problem aa jayegi. Furthermore, distribution-based clustering produces clusters that assume concisely defined mathematical models underlying the data, a rather strong assumption for some data distribution. For example, the expectation maximization algorithm, which uses multivariate normal distribution, is one of the popular example of this algorithm. So I hope you understand this. Okay. सो सबसे पहला तो एग्जाम्पल हो गया यही। सो अगला जो टॉपिक है वो है सेंट्रोइड बेस्ड मेथड। सो सेंट्रोइड बेस्ड जो मेथड है, दिस इज बेसिकली वन ऑफ द इटरेटिव क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स इन विच क्लस्टर्स आर फॉर्म्ड बाय द क्लोजनेस ऑफ द डेटा पॉइंट्स टू द सेंट्रोइड ऑफ द क्लस्टर। अब मान लीजिए कि मेरे पास में ये एक क्लस्टर है पहले तो, और दूसरा क्लस्टर है अपना यहाँ पर, ठीक है। अब अपने पास में एक नया डेटा आया ये, ठीक है। इसका मीन मान लो यहाँ पर, इस क्लस्टर का मीन इस जगह पर है, इस जगह पर, इस क्लस्टर का मीन इस जगह पर मान लो। अब यहाँ से अपन दोनों की डिस्टेंस देखेंगे कि भाई साहब किसकी डिस्टेंस सबसे पास में है, ठीक है। अब हमें देखने पर लग रहा है, इंट्यूटिव हो रहा है कि ये इसके ज़्यादा करीब है, इस सर्किल के ज़्यादा करीब है, तो इसको अपन इस क्लस्टर के अंदर डाल देंगे, ठीक है। सो हेयर द क्लस्टर सेंटर्स दैट इज सेंट्रोइड इज फॉर्म्ड सच दैट द डिस्टेंस ऑफ द डेटा पॉइंट्स इज मिनिमम विद द सेंटर। दिस प्रॉब्लम इज बेसिकली वन ऑफ द एनपी हार्ड प्रॉब्लम ऑल्सो। आपने ऑटोमेटा में पढ़ा होगा ना एनपी हार्ड प्रॉब्लम, इसको हम एनपी हार्ड भी, नॉन पॉलीनोमियल प्रॉब्लम भी बोलते हैं, ठीक है। एंड द सॉल्यूशन आर कॉमनली approximated over a number of trials. जो इसका solutions है वो commonly approximate करते हैं हम जितने number of trials हैं उसके आधार पर,
एक आपके लिए एक फोटो दिखाता हूँ, तब आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा, इसको इमेज से दर्शाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, ये आपका पॉइंट है, ये वो लाइन है, हाइपोथेटिकल लाइन है जो इन दोनों क्लस्टर्स को डिवाइड कर रही है। अब ये वाला पॉइंट इस मीन से, इस पर्टिकुलर मीन पॉइंट से, ये वाला पॉइंट पास में है कंपेयर टू इसके, है ना, और ये वाला इसके पास में है, ठीक है। तो इसीलिए इसका पॉइंट हो गया और ये वाला इसका पॉइंट, कुछ इस तरीके से हम इसको समझते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल जो है वो आपको मैं बताना चाहूँगा, इसका एग्जाम्पल है आपका के मीन एल्गोरिथम। के मीन एल्गोरिथम जो है वो इसका सेंट्रोइड बेस्ड मेथड का एल्गोरिथम का एक एग्जाम्पल हो गया। सो इसका एक पॉपुलर एग्जाम्पल है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद दिस एल्गोरिथम इज दैट वी नीड टू स्पेसिफिक और स्पेसिफाई के इन एडवांस ओनली। जो के है वो हमें एडवांस में ही बताना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ के हैं, क्लासेस हैं या क्लस्टर है। इट ऑल्सो हैज प्रॉब्लम इन क्लस्टरिंग डेंसिटी बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम डेंसिटी बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो उसके अंदर भी प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि अगर डेंसिटी जहां पर ज्यादा है और फिर बाद में सपोज मान लो कि यहाँ पर कोई डेटा की एक डेंसिटी ज्यादा है और यहाँ पर डेंसिटी कम है, तो उसके अंदर मीन ढूंढना और इसके अंदर मीन ढूंढना, ऑब्वियसली इसका मीन तो ज्यादा ही आएगा, फिर यहाँ से इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो थोड़ी सी दिक्कत दे देती है, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर जगह पर डेंसिटी बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ी सी दिक्कत होती है। बाकी और एक के मीन एल्गोरिथम, जो के मीन है आपको के की वैल्यू आपको एडवांस में बतानी पड़ेगी, दो दिक्कत है, ठीक है। अगला जो है वो है कनेक्टिविटी बेस्ड मेथड। कनेक्टिविटी बेस्ड मेथड्स, तो इसका अगेन मैं एग्जांपल इसकी पिक्चर से दिखाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। ये इसकी पिक्चर है, इससे ये समझ लीजिए, ठीक। सो यहाँ पर क्या है कि द कोर आइडिया ऑफ द कनेक्टिविटी बेस्ड मॉडल इज सिमिलर टू सेंट्रोइड बेस्ड मॉडल ओनली। इसका जो कोर आइडिया है वो तो वैसे ही सिमिलर है, विच इज बेसिकली डिफाइनिंग क्लस्टर ऑन द बेसिस ऑफ द क्लोजनेस ऑफ द डेटा पॉइंट। यहाँ पर क्लोजनेस ऑफ द डेटा पॉइंट से ही इसका वो अपन डिफाइन कर पाएंगे क्लस्टर को। हियर वी वर्क ऑन अ नोटेशन दैट द डेटा पॉइंट्स विच आर क्लोजर हैव सिमिलर बिहेवियर एज कंपेयर टू डेटा पॉइंट्स दैट आर फारेस्ट। कह रहा है कि हम काम कर रहे हैं उन नोटेशंस के ऊपर कि जो डेटा पॉइंट्स है जो कि बिल्कुल जो उस पर्टिकुलर चीज के पास में है उसके सेम बिहेवियर्स है एज कंपेयर टू जो डेटा पॉइंट्स है जो दूर है उनसे। इट इज नॉट अ सिंगल पार्टीशन ऑफ द डेटा सेट, इंस्टेड इट प्रोवाइड्स एन एक्सटेंसिव हायरार्की ऑफ द क्लस्टर्स दैट मर्ज विद ईच अदर एट सर्टेन डिस्टेंसेस। हियर द चॉइस ऑफ डिस्टेंस फंक्शन इज सब्जेक्टिव, वो सब्जेक्टिव है। दीज मॉडल्स आर वेरी इजी टू इंटरप्रेट बट इट लैक्स स्केलेबिलिटी। जब स्केलेबिलिटी की बात आती है, बड़े लार्ज डेटा के ऊपर बात आती है, तो ये काम नहीं कर पाता है। सो यही है, यहाँ पर ये समझ में आ रहा है ना, ये डेटा हो गया, ये वाला पर्टिकुलर इसी के अंदर है, ये इसी के अंदर है, डिस्टेंस के ऊपर ये काम कर रहा है, तो ये उसी के जैसा ही है बेसिकली जो हमने पहले डिस्कस किया था, ठीक है। बंद हो गया क्या अपना व्हाइट बोर्ड? व्हाइट बोर्ड, सो इसके अंदर मैं हेरारिकल जो एल्गोरिदम है और जो उसके वेरिएंट है वो इसके एग्जांपल हो गए हो जाएंगे, ठीक है। इसके एग्जांपल कौन से हो जाएंगे? हेरारिकल वाले। सॉरी गाइस, सो एग्जांपल ऑफ दिस इज हायरार्किकल एल्गोरिथम। हायरार्किकल एल्गोरिथम क्योंकि उसी के अंदर कनेक्टिविटी आती है ना, इस तरीके से हम ट्रीज उसी के अंदर बनाते हैं।
सो अगला जो एग्जाम्पल है वो जो मतलब मेथड है, क्लस्टरिंग मेथड है, वो हो गया फोर्थ वन, उसको हम कहेंगे डेंसिटी मॉडल। ठीक है, सो इन दिस क्लस्टरिंग मेथड देर विल बी सर्चिंग ऑफ डेटा स्पेस फॉर एरिया। ओके, सो इसके अंदर जो इस क्लस्टरिंग मॉडल के अंदर जो सर्चिंग ऑफ डेटा स्पेस है कोई भी एरिया के लिए ऑफ द वेरिड डेंसिटी ऑफ डेटा पॉइंट्स इन द डेटा स्पेस। ठीक है, सो वेरिएड जो डेंसिटी है डेटा की, डेटा पॉइंट्स की डेटा स्पेस के अंदर, उसके आधार पे है। इट आइसोलेट्स वेरियस डेंसिटी रीजंस बेस्ड ऑन डिफरेंट डेंसिटी प्रेजेंट इन द डेटा स्पेस। ठीक है, सो मैं आपको इमेज से दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर, यहाँ इसकी ज़्यादा डेंसिटी है यहाँ, तो ये एक क्लस्टर हो गया। इसकी ज़्यादा डेंसिटी है तो ये दूसरा क्लस्टर हो गया। तो जिसकी ज़्यादा डेंसिटी है वो उसके पास में आ जाएगा। तो इसका हो गया एक तो डीबी स्कैन, ठीक है, डेंसिटी बेस्ड जो स्कैन मैंने बताया था, और एक हो गया ऑप्टिक्स, जो मैंने इन दोनों को आपको समझा चुका हूँ पहले से ही पिछले वाले वीडियो में। अगला है सब स्पेस क्लस्टरिंग। अगला जो है अपने पास में वह सब स्पेस क्लस्टरिंग, इसकी दो एग्जाम्पल है डीबी स्कैन, सी एन डीबी स्कैन और ऑप्टिक्स। अगला जो है अपने पास में वो है सब स्पेस क्लस्टरिंग, ठीक है। सो इट इज एन अनसुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम दैट एम्स एट ग्रुपिंग डेटा पॉइंट्स इनटू मल्टीपल क्लस्टर सो दैट डेटा पॉइंट्स एट अ सिंगल क्लस्टर लाई अप्रोक्सीमेटली ऑन अ लोअर डायमेंशनल लीनियर स्पेस। ये जो करता है वो ग्रुपिंग करता है डेटा को मल्टीपल क्लस्टर्स के अंदर। इससे क्या होगा ना कि डेटा पॉइंट्स हैं जो एक सिंगल क्लस्टर के हैं वो अप्रोक्सीमेटली लो डायमेंशंस में रहेंगे एक लीनियर स्पेस के अंदर। फोटो से ही इसको समझाता हूँ, यार मेरे पास में इसकी है नहीं फोटो, कोई एग्जैक्ट फोटो तो। अच्छा, जो सब स्पेस क्लस्टरिंग है इज एन एक्सटेंशन ऑफ फीचर सिलेक्शन। जो फीचर कलेक्शन है उसी का ही एक एक्सटेंशन है। जस्ट एज फीचर सिलेक्शन सिलेक्शन सब स्पेस क्लस्टरिंग रिक्वायर्स अ सर्च मेथड एंड इवेल्युएशन क्राइटेरिया, बट इन एडिशन सब स्पेस क्लस्टरिंग लिमिट्स द स्कोप ऑफ इवेल्युएशन क्राइटेरिया। द सब स्पेस क्लस्टरिंग एल्गोरिदम लोकलाइजेस द सर्च फॉर रेलिवेंट डायमेंशंस एंड अलाउज देम टू फाइंड द क्लस्टर दैट एग्जिस्ट इन मल्टीपल ओवरलैपिंग सब स्पेसेस। सब स्पेसेस क्लस्टरिंग वॉज ओरिजिनली प्रपोज टू सॉल्व वेरी स्पेसिफिक कंप्यूटर विजन प्रॉब्लम्स। अ यूनियन ऑफ सब स्पेस स्ट्रक्चर्स इन द डेटा, बट इट गेन्स इंक्रीजिंग अटेंशन इन द स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स लर्निंग कम्युनिटी। पीपल यूज दिस टूल इन सोशल नेटवर्क्स, मूवी रिकमेंडेशन, बायोलॉजिकल डेटा सेट्स। सब स्पेस क्लस्टरिंग राइजेस द कंसर्न ऑफ डेटा प्राइवेसी एज मैनी सच एप्लीकेशन इन्वॉल्व डीलिंग विद सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। डेटा पॉइंट्स आर अज्यूम टू बी इनकोहेरियंट एज इट ओनली प्रोटेक्ट्स डिफरेंशियल प्राइवेसी ऑफ एनी फीचर ऑफ द यूजर रादर देन एंटायर प्रोफाइल यूजर ऑफ द डेटा बेस। ओके, सो इसके दो मतलब ब्रांचेस हैं सब स्पेस क्लस्टरिंग के ही। सो वो ये हैं, एक तो हो गया टॉप डाउन एल्गोरिदम और दूसरा है बॉटम अप। तो टॉप डाउन में हो गया कि इसके अंदर है ना, इन दीज एल्गोरिदम्स स्टार्ट्स बाय फाइंडिंग एन इनिशियल क्लस्टरिंग इन द फुल सेट ऑफ डायमेंशन एंड देन इवेल्युएट्स द सब स्पेस ऑफ ईच क्लस्टर। ठीक है, द आइडिया इज टू आइडेंटिफाई द सब स्पेस दैट कैप्चर्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट वेरियंट इन द डेटा पॉइंट विद इन अ क्लस्टर। दिस अप्रोच इज नोन एज प्रोजेक्शन बेस्ड क्लस्टरिंग बिकॉज इट इन्वॉल्व्स प्रोजेक्टिंग द डेटा ऑन टू डिफरेंट सब स्पेस एंड क्लस्टरिंग द रिजल्टिंग लोअर डायमेंशनल डेटा। टॉप डाउन एल्गोरिदम्स आर यूजफुल फॉर डिस्कवरिंग क्लस्टर दैट एग्जिबिट्स डिफरेंट पैटर्न्स इन डिफरेंट सब स्पेस। ठीक है, और बॉटम अप में यार क्या हो गया ना, डीबी स्कैन भी बॉटम अप वाला ही आ जाएगा।
So this algorithm starts by identifying dense region in a lower dimensional space. जो dense region है lower dimensional space से वहां से identify करना start करता है and then combine these regions to form cluster in the full dimensional space. फिर वो क्या करता है ना कि ये छोटे छोटे जो है low dimensional है इन्हीं की मदद से full dimensional space बनाता है. इसके पीछे का जो idea है to find dense regions that are present in multiple subspace and then use them to infer the underlying cluster structure of the data. This approach is known as subspace merging because it involving merging clusters that are identified in different subspace. Bottom-up algorithms are useful for discovering clusters that exhibits similar patterns across different subspaces. The bottom-up approach finds dense region in lower dimensional space, then combine to form clusters. Okay, समझ में आया कि ये क्या करता है ना, ये छोटे 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 मतलब वो देखता है कि हाँ यार ये हो गया लो डायमेंशनल स्पेस से, फिर बाद में इससे ही इसकी मदद से वो हायर डायमेंशनल स्पेस बनाता है और वो फिर बाद में क्लस्टर का निर्माण करता है. और ये क्या करता है कि मतलब बड़े से जाता है और फिर बाद में उसको स्पेस सब स्पेस में तोड़ता है और फिर बाद में उसको अलग अलग डिवाइड करता है. तो दो अप्रोच हो गई, ठीक है, टॉप अप टॉप डाउन एंड बॉटम अप. सो आई थिंक आपको समझ में आया, यही थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स. सो एक एक करके मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, इनके नाम बता देता हूँ, मेरे साथ में ही आप रिवाइज कीजिए. एक तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड मेथड, फिर सेंट्रोइड बेस्ड मेथड जो के मीन्स एल्गोरिदम है वो इसी का पार्ट है, फिर कनेक्टिविटी बेस्ड मेथड्स हो गया, उसके अंदर हायरार्कल एल्गोरिदम आ गई, डेंसिटी बेस्ड के अंदर डीबी स्कैन या फिर ऑप्टिक्स की बात करो, फिर बाद में सब स्पेस क्लस्टरिंग, इसके अंदर टॉप डाउन एल्गोरिदम या फिर बॉटम अप एल्गोरिदम, ये दोनों इसी के पार्ट है. ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे. अगली वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आपको के मीन क्लस्टरिंग के बारे में किस तरीके से के मीन क्लस्टरिंग होती है, उसकी एल्गो क्या है, उसको पाइथन में इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो के अंदर करवाऊंगा भाई, आपको मज़ा आ जाएगा. सो आप मेरे साथ में बने रहिए. थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग.